अमित शाह ने 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। कहा योगी सरकार ने 2017 में जनता से किए सारे वादे पूरे किए। अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी के नेतृत्व में यूपी की अर्थव्यवस्था बढ़कर 22 लाख करोड़ पहुंची। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बोले अमित शाह। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त की। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। लखनऊ में अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का किया शिलान्यास। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के भूमि पूजन के मौके पर सीएम योगी भी रहे मौजूद। तकरीबन 36 एकड़ में बनेगा इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में इसराइल के एक्सपर्ट फॉरेंसिक बारीकियां सिखाएंगे। इसके लिए 350 करोड़ का बजट पास किया गया है। भूमि पूजन के मौके पर अमित शाह ने पेड़ भी लगाया। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस परिसर में लगाए पेड़। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना। पिछली सरकार में था माफिया राज, अब दंगा मुक्त हुआ यूपी। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का खौफ। भूमि पूजन के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरे प्रदेश से माफियाओं और गुंडों को 1584 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। लखनऊ से अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे। शाह मिर्जापुर में सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। अमित शाह शाम 5 बजे वाराणसी जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अमित शाह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा अब पंडित ये तय करेंगे कि मुसलमान जीतेगा या नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो बड़े हैं लेकिन हम भी कम नहीं है। मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए पंडितों को ओवैसी दे रहे हैं चुनौती। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन जारी है। आज आगरा और फिरोजाबाद में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। बीएसपी को एक बड़ा झटका। बीएसपी विधायक और वरिष्ठ नेता सुखदेव राजपर ने किया अखिलेश का समर्थन। अपने बेटे को अखिलेश के साथ जाने की बात कही। अब भगवान राम के शरण में पहुंची सीपीआई। रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज की शुरुआत। विवाद होने पर कहा सबका है रामायण। अयोध्या में संतों ने की प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ। का दूसरी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी से सीख लें। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधामोहन सिंह ने कानपुर में पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी रहे मौजूद। मॉनसून सेशन में हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में कामकाज रहा ठप। अब तक 133 करोड़ रुपए का नुकसान। तालिबान पर अफगानिस्तान की बड़ी कार्रवाई। एयर स्ट्राइक में अब तक 254 आतंकियों को किया ढेर। अफगानिस्तान में कंदार एयरपोर्ट पर तालिबान का हमला। तालिबान ने रॉकेट से किया हमला। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में अफगान सेना का एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में 31 तालिबानी आतंकी ढेर। अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमला। एक कमांडर समेत 24 तालिबानी आतंकी मारे गए। कपिसा प्रांत के नजराब में तालिबान के कब्जे से 5 गांवों को खाली कराया गया। अफगान सेना की कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने भी दिया साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में फिर दिखाई दिया ड्रोन। ड्रोन दिखने के बाद पूरे इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कुछ देर मंडराने के बाद पाकिस्तान के साथ लगती सीमा की तरफ लौटा ड्रोन। ड्रोन देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की दूसरी वर्षगांठ पर पाकिस्तान रच सकता है ड्रोन वाली साजिश। विस्फोटक गिराने की साजिश को दे सकता है अंजाम। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जम्मू के मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को भी बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा एजेंसियों की सूचना पर अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर शहर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी। एक महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत की प्राथमिकता समुद्री सुरक्षा। शांति स्थापना करने के कवायद इसके साथ साथ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को भी तैयार है भारत। दिल्ली पर ड्रोन अटैक का खतरा। 15 अगस्त के मद्देनजर लोकल इनपुट पर पैनी नजर रखने की हिदायत। दिल्ली में आम लोगों से जुड़ी हुई मूवमेंट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। बॉर्डर पर सख्त और सघन तलाशी वाली चेकिंग चल रही है। पहली बार लाल किले पर एंटी ड्रोन रडार सिस्टम तैनात। 4 किलोमीटर दूर से ड्रोन देखने की क्षमता। 3 किलोमीटर दूरी पर ही उस ड्रोन को जाम कर सकता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का आज बड़ा ऐलान। आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस। ट्रिपल तलाक कानून के 2 साल पूरे होने पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाएगी केंद्र सरकार। 2 साल पहले आज के ही दिन बना था 3 तलाक पर कानून।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर की जातीय जनगणना की वकालत, का जाति आधारित जनगणना देश के लिए जरूरी। पंजाब में मिशन 2022 को लेकर अरविंद केजरीवाल की लंच डिप्लोमेसी, पंजाब के आप विधायकों को आज लंच पर क्या मंजूर। ललन सिंह बने जेडीयू के नए अध्यक्ष, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला, नीतीश कुमार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से राजभवन में मिले अभिनेता आमिर खान, पूर्व पत्नी किरण राव भी रही मौजूद, जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति पर भी चर्चा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का निर्देश, का कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। देश में कोरोना के मामले में उछाल, पिछले 24 घंटे में 41,831 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 541 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 39,258 लोग हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,10,952। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान, अब तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। केरल में कोरोना का कहर जारी, लगातार पांचवें दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 20,624 नए केस आए सामने। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का खतरा, पुणे से आया पहला मामला, एक 50 साल की महिला में जीका वायरस का पहला केस। केरल में जीका वायरस से 63 लोग हुए संक्रमित, फिलहाल केवल 3 एक्टिव मामले। राजस्थान के बांसवाड़ा में वैक्सीन लगवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, अस्पताल में टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़। बिहार के मधुबनी में वैक्सीन के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, जल्दी ही टीका लगाने के चक्कर में हुआ हंगामा, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। जैन भक्तों की भीड़ को देखते हुए महाकाल प्रबंधन का नया प्लान, अब सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक होंगे दर्शन।